नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज आपके लिए ये जानकारी लेकर आया हूं कि जैसे हम लोग अभी तक न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ चल रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि आपके जन्म तारीख में कोई अंक जो है वो कितनी बार आता है तो उसका क्या प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर रहता है। आज हम चर्चा करेंगे अंक 5 के बारे में। अंक 4 तक की सीरीज़ अभी हम लोग YouTube पे अपलोड कर चुके हैं। अंक 5 के बारे में बात करते हैं कि अंक 5 आपकी जन्म तारीख में कितनी बार आता है, उसका क्या प्रभाव रहता है। सबसे पहले तो हमें अंक 5 को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अंक 5 है क्या और क्या उसका रोल रहता है हमारी डेट ऑफ बर्थ में। अंक शास्त्र के अनुसार अंक 5 जो होता है मानव जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन की भावनाओं को नियंत्रित करने का काम भी करता है और अंक शास्त्र में इसको हृदय चक्र के बराबर माना जाता है। हमारे 7 चक्रास होते हैं ना शरीर के, उसमें से जो हृदय चक्र होता है उसके बराबर अंक 5 को अंक शास्त्र की भाषा में माना जाता है। 5 अंक कलात्मक और भावनात्मक रूप से व्यक्ति की प्रेम और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक है, यानी कि वो कलात्मक रूप से या भावनात्मक रूप से क्रिएटिविटी या इमोशनल फैक्टर को लेकर जो फीलिंग्स हैं इंसान की या जो उसकी इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स हैं उसका प्रतीक जो है अंक 5 माना जाता है। और आपके बर्थ चार्ट के अंदर अंक 5 ही एक ऐसा नंबर होता है जिसका संबंध जो होता है वो सीधा सीधा सभी अंकों के साथ होता है। नंबर 5 जो है वो अंकों द्वारा व्यक्त की गई जो क्वालिटीज हैं अंकों की, उनको बड़े प्यार के साथ आगे बढ़ाने का काम करता है। और जिनके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 नहीं होता है वो लोग अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और उनकी इमोशनल पोजीशन जो है, उनकी जो भावनात्मक स्थिति जो है वो भी अच्छी नहीं होती। देखते हैं कि अंक 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ में यदि एक बार आ जाए तो आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, इस पर चर्चा करते हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 5 जो है वो एक बार आ रहा है तो भगवान ने आपको संतुलित व्यक्तित्व बनने का एक बहुत ही सुनहरा मौका दिया है। अंक 5 मानव की भावनाओं को नियंत्रित करते हुए बुद्धि का उपयोग करने का काम करता है, उसमें उसकी सहायता करता है। ऐसे जातक जो होते हैं वो किसी भी स्थिति में अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए किस काम को किस तरह से करना है ये जानते हैं, उसकी प्रॉपर रूपरेखा तैयार करते हैं और भावनात्मक ना रहकर अपनी इंटेलिजेंस के दम के ऊपर वो हर काम को प्रॉपर तरीके से पूरा करते हैं। नंबर 5 जो है वो मानव की दृढ़ इच्छा शक्ति और करुणा दोनों को रिप्रेजेंट करता है और उनको मजबूती भी प्रदान करता है। नंबर 5 मानव के चरित्र की ताकत के रूप में भी जाना जाता है। अंक 5 का एक बार आना यह भी दिखाता है कि मानव हर बात को बड़ी आजादी के साथ और बड़े प्यार के साथ व्यक्त करने में सक्षम है और दूसरों की भावनाओं को समझता भी है और दूसरों की भावनाओं की कद्र भी। अंक 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ में दो बार आ जाए तो आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव जो है वो किस प्रकार का होगा। अंक 5 यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में दो बार आता है तो ऐसे इंसान जो होते हैं उनकी जो सोच होती है वो बहुत आगे की सोच होती है, बहुत ही आत्मविश्वासी लोग होते हैं और इनका जो दृढ़ संकल्प है यह इनके आत्मविश्वास को हवा भी देता है।
जैसे जैसे ये लोग बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे ये लोग बड़े होते चले जाते हैं, वैसे वैसे इनका आत्मविश्वास जो है वो सिर्फ आत्मविश्वास ही रह जाता है। ये आत्मविश्वास अति विश्वास में बदलता हुआ किसी भी काम को प्रॉपर व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से फ्रक्टिफाइड नहीं होने देता है, जिस कारण क्या होता है कि इनको असफलताएं तंग करने लगती, और ऊपर से फैमिली का इमोशनल प्रेशर जो है, उनका सामना करना जो है इन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन लोगों को आत्ममंथन की जरूरत है, इन्हें चाहिए कि इनके अति विश्वास के कारण हुई गलतियों का चिंतन और मनन करें, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो सके। इनका अति आत्मविश्वास जो है और इनका जो रोबदार व्यक्तित्व है, कई बार उन लोगों के साथ इनके मतभेद बना देता है जो इनके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, और अपनों के प्रति इनकी झुंझुलाहट जो है लोगों में इनके प्रति अनादर का भाव पैदा करती है। इन लोगों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए स्पेशल व्यायाम की जरूरत होती है, या ये लोग भावनात्मक सुकून के लिए ड्रग्स या सेक्स पर भी निर्भर करते हैं। इन लोगों को चाहिए बुरी संगति से दूर रहें और अपने भावनात्मक सुकून के लिए ड्रग्स इत्यादि की तरफ जाने की बजाय सॉफ्ट म्यूजिक का सहारा लें, रिलैक्स करें, मेडिटेशन करें। आइए अब देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 5 जो है वो 3 बार आ जाए तो आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 5 यदि 3 बार आ जाता है तो जिन बातों का विचार 2 बार अंक 5 वालों के अभी हमने किया था वो तेज हो जाता है। इनकी इन आदतों को हैंडल करना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और इन लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग और मार्गदर्शन की जरूरत रहती है। नो डाउट इनका दिमाग जो होता है ना वो बहुत तेज होता है, परंतु वो क्रिएटिविटी में लगेगा या डिस्ट्रक्शन में लगेगा, ये बात इन लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि इनको किस प्रकार की फैमिली ट्रेनिंग दी गई है। अक्सर ये देखा है कि अंक 5 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार है तो जो इनके माता पिता होते हैं वो इनकी आदतों पर कंट्रोल करने में नाकाम रहते हैं, और यही आदतें आगे जाकर इनके लिए एक समस्या क्रिएट करती हैं। समाज की मर्यादाओं को ये लोग नहीं मानते, समाज की मर्यादाओं से अलग बात करते हैं। तो व्यवहारिक तौर पर अंक 5 का 3 बार आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग यदि अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और हर काम को करने से पहले कुछ समझदार लोगों की सलाह लेकर चले तो ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो सकते हैं और समाज के लिए कुछ नया कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सोच होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है। परंतु समाज की मर्यादा में रहकर ही ये लोग अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसी प्रकार अंक 5 का 4 या उससे ज़्यादा बार आना और भी ज़्यादा समस्याएं खड़ी कर सकता है। जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कंस्ट्रक्टिव हो रही है या डिस्ट्रक्टिव हो रही है। तो जुड़ते रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। अगले वीडियो में हम अंक 6 के बारे में बात करेंगे कि अंक 6 जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार आए तो आपका स्वभाव, आपके व्यक्तित्व में क्या दर्शाता है ये। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो भारी प्यार, आपका जो भारी समर्थन हमारे YouTube वीडियोस के ज़रिए हमें मिल रहा है, आपके जो कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो वाकई में सराहनीय है। तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे YouTube वीडियोस में बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Google में जाकर हमें सर्च कीजिए एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम, आप डायरेक्ट हमारे Facebook पेज से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर जाकर भी आप हमारे बारे में बहुत सारी जानकारी, ज्योतिष के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.astroashwinigautam.com। आप हमारे
नंबर्स के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 9034730625 और 9729298988। ये सारी जानकारियां आपको यहां स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रही हैं, यहां डिस्प्ले हो रही हैं। आप जुड़िए, ज्योतिष सीखिए, अंक ज्योतिष सीखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा विज्ञान है और हर समस्या का समाधान है। अगले वीडियो के साथ आपके पास फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।